वीडियो में मैं दो तीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल के बेस्ड हैं क्वेश्चंस तो रेजिस्टेंस के हैं इसमें मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल पॉइंट यूज करूँगा लास्ट वीडियो में मैंने इक्व पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और सेशन इस इस में Uh, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जिससे मैंने क्वेश्चंस सेशन क्यूएस नाम से जाना है ठीक है तो दिस इज द क्यूएस सेशन दिस इज द क्यूएस सेशन तो इसमें uh, सबसे पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपको जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है इसमें मैं फाइंड क्या करना है Find the equivalent resistance. Find the equivalent. Find the equivalent resistance. Resistance between. Find the equivalent resistance between A and B. Take a.

All the resistances. This is the one way. Second way is a point of equipotential. Concept of equipotential points. So, <coughs> uh, in this concept, yes. Let uh, this is a point X, and this is a point Y. Now, I have to calculate. वेदर एक्स और वाई आर इक्व पोटेंशियल और नॉट ठीक है तो हमें पता करना है कि एक्स वाई इक्व पोटेंशियल हैं या नहीं है तो चेक एक्स वाई आर इक् पोटेंशियल और नॉट चेक

एक्स से ए का डिस्टेंस कितना है एक्स से ए का डिस्टेंस दिस इज द आर सॉरी दिस इज द आर आर एंड आर इट इज ए टू आर एक्स टू ए टू आर एंड एक्स टू बी इट इज आल्सो टू आर इट इज ऑल्सो two R so fifty percent job is done. Fifty percent job is done. Now check from by. Okay. Now check from by okay. By to a Y to A it is uh, y Y to A A it it so, okay. it is R, and y to B, it is 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 R. R R. So So okay. and B also next Next 50% is done. Next 50% task is done. ठीक है तो मैंने बताया था आपको उस समय कि अगर X से A और B देख रहे हैं वो अगर आ, कोई आ, और डिस्टेंस है जैसे कि यहाँ 2R है और यहाँ R है इन दोनों को सेम होना जरूरी था और उन दोनों को सेम होना जरूरी है बट ये जरूरी नहीं है कि ये जो x से a और b का डिस्टेंस है वही y से भी हो हाँ जो x से a का है वही x से b का होना चाहिए टू आर यहाँ जो बाईस से a का है वही बाईस से b का होना चाहिए आर आर तो क्या हुआ x और y आर इक्व पोटेंशियल यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं वी कैन कंक्लूड हेयर फ्रॉम वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर के

आप खुद देख लेना कि किस तरह से शॉर्ट से ज़्यादा ओपन करना आपको कंफर्टेबल हो रहा है ओके okay? तो लेट ओपन द ब्रांच एक्स वाई ठीक है आई एम ड्राइंग अ न्यू फिगर लेट ओपन द ब्रांच एक्स वाई ओके सो दिस फिगर वाज दिस and if i open the branch xy then it will easy to calculate it okay. this was the point x and this was the point y ये x था और ये y था ठीक है सभी रजिस्टेंस को मैं वन बोल रहा हूँ ठीक है जो r में बोल रहा हूँ जिस भी r बोले थे वो सभी वन है मतलब r इक्वल टू वन है ठीक है तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं हम कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे ये वन और ये वन सीरीज में हो जाएंगे टू हो जाएगा ये वन और ये वन सीरीज़ में हो जाएंगे ये टू हो जाएगा ये फिर इस वन के साथ पैरल में हो जाएंगे फिर उसके बाद ये वन ये वन और ये कॉम्बिनेशन ये सीरीज में हो जाएगा फिर ये कॉम्बिनेशन और दिस टू एम्पियर सॉरी टू ओम ये पैरल में हो जाएगा और लास्ट में ये तीनों ही पैरल में हो जाएंगे मतलब हमें फाइंड क्या करना है ये ब्रांच मतलब वन ओवरऑल वन पैरल विद ये दिस ब्रांच दिस ब्रांच इसे मैं बोल सकता हूँ वन सॉरी इसे मैं बोल सकता हूँ वन प्लस टू पैरेलल विद वन टू पैरल वन प्लस वन ये दिस इज द ब्रैकेट पैरेलल विद टू सो दिस इज ओवरऑल रेजिस्टेंस यू विल गेट इट मैंने क्या किया यहाँ पे वन पैरल विद वन प्लस टू पैरल वन प्लस वन पैरल विद टू ठीक है क्योंकि इस ब्रांच का टू होगा वन एंड वन टू ये टू पैरल वन वन प्लस वन एंड वन ओके तो दिस इज द इक्वेलेंट रजिस्टेंस यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट कर देता यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट कर देता तो फिर से एक प्रॉब्लम रह जाती है यहाँ ठीक है अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट कर देता ये शॉर्ट कर देता तो एक प्रॉब्लम बनी रहती वो प्रॉब्लम क्या ही? वो प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर आप अभी ये नहीं कह सकते थे कि यहाँ करंट क्या है एक्चुअली एक्शन वाली तो एक पोटेंशियल है अगर मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया होता अगर ये दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गए होते तो फिर इनका सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना टफ होता ठीक है तो इसलिए मैंने इसे ओपन किया और ओपन करने से इजीली हो गया और कैलकुलेट करेंगे आप आंसर मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके यस सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस गिवन दैट आर वन इक्वल टू वन ओम आर टू इक्वल टू टू होम आर थ्री टू थ्री होम फाइंड करंट आई आपको वोल्ट सोर्स दिया हुआ है बस इस इक्वेलेंट रजिस्टेंस को फाइंड करना है और बस अप्लाई करना है ठीक है तो मुझे देखते ही क्या लग रहा है देखो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वटेंशियल नजर आने के लिए सबसे फेवरेबल चीज़ क्या वो देखिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है सबसे फेवरेबल कंडीशन ये है कि जब भी हम वोल्टेज सोर्स से चलना स्टार्ट हुए हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स ये देखो ये आर डिस्टेंस दूर पे ये पॉइंट है और आ डिस्टेंस सॉरी आर वन डिस्टेंस पे ये पॉइंट है मतलब हमें पॉसिबली ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं इसे आ, ए और इसे बी बोलूँ तो ये मुझे एक पोटेंशियल दिख रहे हैं अभी क्लियर नहीं बढ़ते हाँ देख रहे हैं ऐसे ही अगर इस साइड से वोल्टेज सोर्स से मूव करता हूँ तो ये पॉइंट आर वन डिस्टेंस के बाद आ रहा है सी और ये पॉइंट भी आयरन डिस्टेंस की बात आ रहा है इसको, इसको इसके भी इक्वपोटेंशियल होने के चांसेस हैं ठीक है तो होगा क्या कि मैं अगर ए और बी को पहले चेक करता हूँ तो सिंपली मैं इन पॉइंट्स को मैं अपने वोल्टेज सोर्स वाले पॉइंट को एक्स एंड वाई बोल देता हूँ ठीक है वोल्टेज सोर्स वाले पॉइंट को एक्स एंड वाई बोल देता हूँ ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना क्या होगा ए से एक्स का डिस्टेंस और बी से एक्स का डिस्टेंस फिर ए से बाई का डिस्टेंस और बी से बाई का डिस्टेंस ठीक तो है, है तो ए से एक्स का डिस्टेंस आर वन है बी से एक्स का डिस्टेंस ये भी आर वन है तो फिफ्टी परसेंट टास्क कंप्लीट हो गई फिफ्टी परसेंट टास्क कंप्लीट हो गई फिफ्टी परसेंट टास्क कंप्लीट हो गया अब मैं क्या देखूंगा ए से वाई का डिस्टेंस ए से वाई का डिस्टेंस कितना है देखो यहाँ से आइए आर वन आर वन ठीक है तो टू आर वन ठीक है कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं सर हम ऐसा भी तो आ सकते हैं कि आर थ्री फिर आर वन यस यू कैन बट अगर आप ए से वाई जाने के लिए फॉलो कर रहे हैं दिस आर थ्री टू आर वन देन आपको सिमेट्री मेंटेन करने के लिए बी से जाने के लिए फिर आर थ्री और आर वन इधर से जाना पड़ेगा ठीक है अगर आप ए से इधर से जाने की बात कर रहे हैं ऐसा तो फिर वी बी से भी ऐसा जाने की बात करनी पड़ेगी ये नहीं है कि ए से तो आप ऐसा चले गए और बी से आप शॉर्ट मार रहे हैं एकदम आर वन आर वन नहीं ऐसा नहीं ठीक है अगर मैं ए से यहाँ वाई के लिए सिंपल पाथ फॉलो कर रहा हूँ आर वन देन आर वन

देखिए इफ आई एम लुकिंग फॉर पॉइंट सी एंड डी देन सी टू एक्स सी टू एक्स इट इज़ आर वन डी टू एक्स इट इज द डिस्टेंस आर वन सॉरी डी टू एक्स डिस्टेंस आर वन

इसका अलावा तो ए और बी भी एक पोटेंशियल है और सी एंड डी भी इक्ो पोटेंशियल है तो हम क्या करेंगे ए बी और सी डी को शॉर्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं ठीक है ठीके? हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं ओपन करके भी आप कर सकते हैं ठीक है ठीके? लेकिन यहाँ शॉर्ट करने से मैंने क्या है एक फ़ायदा दिख रहा है कि ये रजिस्टेंसेस ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये देखिए शॉर्ट कर मैं यहीं बता देता हूँ आपको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से ठीक है देखिए शॉर्ट जब हम कर देंगे ए और बी को जब ए और बी को शॉर्ट कर देंगे तो मैं इस ब्रांच को रिमूव कर देता हूँ ठीक है मैं इस ब्रांच को रिमूव कर देता हूँ यहीं लेके रिमूव इट एंड रिमूव दिस आर टू ओके एंड रिमूव दिस आर टू ओके नाउ इफ आई एम मेकिंग ए शॉर्ट ठीक है शॉर्ट करने के बाद शॉर्ट करने के बाद ये देखिए और ये देखिए अगर सी और डी और ए और बी को शॉर्ट कर दिया तो ये पॉइंट्स ए एंड बी कॉन्साइड कर जाएंगे सी एंड डी कौन कर जाएंगे तो इन दैट केस आर वन आर थ्री आर थ्री आर वन ये पैरेलल में आ जाएंगे इधर आर वन आर वन इधर आर वन आर वन पैरल ठीक है तो यहीं मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ी सी जगह में यहीं सॉल्व कर देता हूँ ठीक है ये देखिए यस yes. सॉल्व कर देता हूं तो होगा क्या कि क्यावेर रजिस्टेंस अगर फाइंड करूंगा इक्वेट रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई ये आर वन पैरल प्लस आर वन पैरल आर थ्री पैरल आर थ्री पैरल आर वन ठीक पैरल आर वन ओके आर थ्री पैरल आर वन ये पूरा बीच वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर प्लस आर वन पैरल आर वन मतलब पूरे ही डायग्राम में आर टू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा ठीक है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उससे हम आई फाइंड करने के लिए वी जो कि 11 बोल्ट है डिवाइड बाई आर इक्लेंट कर देंगे और आंसर निकल आएगा ठीक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ अभी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इक्वेलेंट रजिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेलेंट रजिस्टेंस इक्वेलेंट रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ठीक है यहां पर भी हम कुछ हिस्सा ही करेंगे हमें तो कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं मैं मेंशन कर देता हूं पॉइंट्स हैं आपके एक्स बाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड देखो जरूरी नहीं दो ही पॉइंट इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल हो तीन पॉइंट एक साथ चार पॉइंट एक साथ जितने भी पॉइंट्स का डिस्टेंस ए और बी से साथ में मेजर कर रहा हूँ और वो इक्वल आ गया तो फिर मैं कह सकता हूँ दिस ऑल पॉइंट्स आर इक्व पोटेंशियल ठीक है तो अगर मैं चेक करता हूँ एक्स से ए का डिस्टेंस आर है एक्स से बी का डिस्टेंस आर है बाई से एक्स ए का डिस्टेंस आर है वाई से वी बी का डिस्टेंस आर है ठीक है देखते रहना ना ओके जेड से ए का डिस्टेंस वो भी आर है जेड से बी का डिस्टेंस वो भी सिंपली आर है अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को लेता तो मैं ये बोलता हाँ फिफ्टी परसेंट आज कम्पलीटेड और फिफ्टी परसेंट आज कम्पलीटेड अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन uh, को लेता एक और जेड को तो एक्स एंड जेड आर इक्टेंशियल विद ईच अदर वाई एंड जेड आर इक्वोटेंशियल विद ईच अदर मतलब एक्स वाई जेड एक दूसरे के साथ में अगर दो दो करके मैं चेक करता कि एक्स और वाई इक्वपोटेंशियल है नहीं या वाई ओ जेड इक्वपोटेंशियल है नहीं या एक्स और जेड इक्वपोटेंशियल है नहीं तो सभी इक्वपोटेंशियल हैं आपस में इसका मतलब एक्स वाई जेड इनके बीच में एग्जिस्ट करने वाली ब्रांचेस को या तो आप ओपन कर दीजिए या आपको शॉर्ट कर दीजिए ठीक है अगेन वही ऑप्शन है हमारे पास तो मैं इन्हें शॉर्ट कर दूंगा इसे कैंसिल करिए इसे कैंसिल करिए क्योंकि एक पोटेंशियल है कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ ठीक है मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ ये देखिए जैसे ही मैंने इसे शॉर्ट किया ऊपर का आधा पार्ट मतलब ये दिस रेजिस्टेंस आर 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 र ये सब पैरेलल र र र र ये सब पैरेलल तो होगा क्या कि ये ऊपर के चार र पैरेलल हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे रवाई फोर और नीचे के चारों र अगर पैरेलल हो गए तो ये बनेंगे रवाई फोर नाउ एवरीथिंग इज क्लियर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से सो so, ए और बी के बीच में हमारा एक पोटेंसियल इक्विवेलेंट रेजिसन निकल के आ गया आर वाई टू अगर यहाँ पे लेट मैंने आर की वैल्यू टू ओम रखी होती तो ये हो जाता आपका वन ओम तो फ्रेंड्स तीन क्वेश्चंस में डिस्कस किया हूँ एक पोटेंशियल पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को समझाया हूँ नेक्स्ट में जो मैं कॉन्सेप्ट uh, डील uh, करूंगा वो प्रोबेबली कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को लेके आऊंगा वहां से भी इक्वेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया सकता है तो आई थिंक की वॉचिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर विद यू आपको ज़्यादातर चीजें क्लियर हो रही होंगी और बस हाँ वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते रहिए वेल ठीक है तो आई थिंक आज की वीडियोज़ के लिए इतना काफ़ी है बट फ्रेंड्स अगेन मैं कहूँगा कि सीक्वेंस में वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द वीडियोज़ इन द कंटिन्यूस वे ठीक है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक यू